हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड कैसे आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताना। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। आज है दशहरा का नेक्स्ट डे, तो आज जो है आज वेडनेसडे है और टाइम हो रही है अभी शाम का 7:45 हो रही है। और सुबह मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि हमारा जो फैमिली है वो 50K क्रॉस हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना दिनों से अभी जो ये मोमेंट के लिए वेट कर रही थी, आज वो दिन सक्सेस हो गया है। मैं कभी भी सोचा नहीं था कि इस टाइम तक मैं कोशिश करती रहूंगी और करूंगी, बिल्कुल भी सोचा नहीं था सच में, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा इस तरह से जो अप एंड डाउन आते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, आप सभी लोग का जो सफर था, जो प्यार था, वो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। तो आप सभी को भी कंग्रेचुलेशन, और कंग्रेचुलेशन टू मी ऑल्सो। आप सभी लोगों का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी आ रहा था कल, दीदी आप बहुत ही क्लोज हो 50K के लिए। तो बस यही मुझे अभी मीन्स अपने अंदर रखना है कि 50K जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे 100K करना है। क्योंकि इंसान जब इस तरह से नहीं सोचेगा तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे इस तरह से लगता है। आप लोगों को किस तरह से लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आपके राय जानना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से सीखा है, बहुत सारा लोग आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, कुछ बहुत सारा चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ सीखा है। क्योंकि कुछ इस तरह से छोटे छोटे बात हो जाता है जिस तरह से मैं भी भूल, और इस तरह से छोटे छोटे जो है चीजें भी हो जाता है, जो कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो उन सारी चीजों में। जिस तरह से अंजल का तबियत खराब हो जाता है तो आप लोग मुझे सजेशन देते हो कि दी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको खाना चाहिए। मेरा वेटलेस जर्नी में भी अभी मैं 2.5 किलो की कम हो गई हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही है। भगवान करे और थोड़ा सा 5 kg मुझे कम करना है, तब मेरा जो प्रीवियस वेट था वहाँ पर, जो शादी से पहले थी, उस वेट तक रीच हो पाऊंगी। तो कोशिश तो जारी है, बट क्या करेंगे, इस तरह से जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आज मैंने हस्बैंड को बोला कि ऑफिस आने के बाद कि चलो छोटा सा एक डिनर मीन्स बाहर करके आते हैं, बहुत ज़्यादा मन कर रही है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग अगर सेलिब्रेट करेंगे तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, काम करने का जो मोटिव होता है वो इंक्रीज होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मुझे तो छोटे छोटे ईच एंड एवरी दिन सेलिब्रेट करने का मन होता है। मैं घर में भी आज अगर नहीं भी जाती, वो अगर मना करते या कुछ भी बहाना बना के वो मना कर देते थे, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं आज इस तरह से सारी चीजें बनाकर अपना डिनर को एक स्पेशल करती हूँ, और अपने जो डिनर का एक स्पेशल करती और एक छोटा सा एक स्पेशल डे जो होता है ना, वो मैंने सोच के रखा था। बट कोई बात नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। उनको मैंने कल दिखाया था, कल रात को सोने के टाइम पर हो रहा था, 11:10 या कुछ हो रहा था उस टाइम पर, मेरा 995 था, 5 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए था 50K होने के लिए। तो सुबह जब उठी तो 50 हो गया था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। सुबह उठ के ही आप लोगों के साथ छोटा सा एक कोटेशन मैंने लिख के कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, और अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और मेरी जो गुड़िया रानी को आप लोग देख सकते हैं पानी के साथ कितना ज्यादा खेल रही है। मामा से हाय, हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू, फाइन फाइन। वो अभी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो कुछ कुछ चीजें जो है समझ में आती है, कुछ कुछ चीजें जो नहीं समझ में आती है। मेरा फेस आजकल बहुत ज्यादा ड्राई होता है, क्योंकि दांडिया नाइट के बाद मैंने मीन्स हर दिन मैं मेकअप थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये सारे वीडियो के चक्कर में कुछ मुझे जो स्पॉन्सर वीडियो आता है वो उसके लिए रेडी होना पड़ता है। डांडिया लाइट के लिए तो बहुत हैवी मेकअप किया था, कल दशहरा भी था, दशहरा के लिए भी मेकअप किया था, और आज भी मैंने थोड़ा सा किया है, बट विदाउट कुछ, थोड़ा सा फेयरनेस क्रीम लगाया है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कंपैक्ट पाउडर, लिपस्टिक लगाया है, सिंदूर लगाया है, और कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ना आईब्रो को फुल फिल किया है, ना
काजल अप्लाई किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो दशहरा वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, और स्पेशली जो आईलाइनर को देख के तो कल मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए कि बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कहाँ से लिया कहाँ से लिया। तो मैंने पर्पल से लिया था, तो आप सभी लोग के साथ वो शेयर किया था। अगर नहीं चेक किया है तो ज़रूर जाके एक बार वो आईलाइनर को चेक कीजिएगा। एक्चुअली वो आईलाइनर नहीं है, काजल है, बट मैंने हेजे आईलाइनर की तरह उसको अप्लाई किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी मेरा टारगेट है कि एक गोल्डन कलर का आईलाइनर ले दे, तो देखते हैं अगर जाने के टाइम पर कुछ जो स्टेशनरी शॉप चूड़ी शॉप होता है तो मैं लेके आऊंगी एक गोल्डन कलर का। मुझे बहुत ज्यादा लगाने का मन है, जो नीचे फ्लोर में रुचि रहती है ना उसके पास लक्ष्मी का एक गोल्डन कलर का आईलाइनर था, मुझे देखने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो, तो मैं सोच रही हूँ कि वो एक लेके आऊंगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें अभी हो गया है, अभी आप लोगों के साथ 3 से 4 मिनट तक बातें कर रही हूँ, और घर का हालत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारे टॉयस को मैंने अभी उठा के रखा था, और ये रही मेरी छोटी सी एंजल। घर में जो है स्पेशली लिविंग एरिया में हर जो जो भी उसका टॉयस वगैरह है इस तरह से पड़ा होता है, मैं कितना भी समेटती हूँ वो इस तरह से पड़ा होता है, क्योंकि अभी आप लोगों के साथ बात कर रही थी। और ये देखो छोटे 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 चीजें इस तरह से वो पैर के नीचे कभी कभी आ जाता है, कुछ ना कुछ तो मैं बहुत ज्यादा कुछ मैं पैर के नीचे आ जाते तो पता नहीं चलता है और वो टूट जाता है। फिर ये देखो कौन कुछ मामा कौन गोचा पार्टी हुई बनाना एन एप्पल एप्पल व्हाट यू ईट। वो देखो उसको अभी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है, उसको कलरिंग करना है, पढ़ाई करना है। सारे क्रेयॉन्स वगैरह जो होता है ना उसके इस तरह से एक बाल्टी में रखती है, कभी कभी इसके अंदर भी रख देती है, मैं उसको निकाल के अलग रखती हूँ, क्योंकि वो कभी भी उसका मन हो जाता है तो पूरा मुझे मांगती रहती है। तो मैंने कोम भी नहीं किया है, कोम करूंगी अभी। हस्बैंड गए हैं नीचे जिम में, तो जिम से आने के बाद हम लोग जाएंगे। मैं आजकल जिम में नहीं जाती हूँ, घर में ही थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, और बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। घर में करो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, टाइम का भी इतना ज्यादा हड़बड़ी नहीं होता है, आराम से मैं करती हूँ। और अभी 2-3 दिन हो गया है मेरा छूट गया है, कल से फिर से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए बाद में बात करती हूँ हस्बैंड आने के बाद, उनसे आज एक सवाल मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों के सामने, तो देखते हैं वो उनका आंसर जो है क्या होता है। तो चलिए बाय 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 लव यू बाय लव यू लव यू टेक केयर वीडियो देखने से पहले यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ मीशो के ऐप के बारे में शेयर किया था। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, उसके थ्रू आप घर बैठे ही 30 से 40 हजार तक कमा सकते हैं, और बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपके फोन में ही ये सारा जो काम है वो हो जाता है, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है, तो आपको कुछ भी मनी वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मीशो को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लिंक के थ्रू जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है एज ग्रुप और एक है फोन नंबर, दोनों को ही आपको देना है, उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको होम पेज यहाँ पर दिखेगा, होम पेज में यहाँ पर सारे होम डेकोर के आइटम, क्लॉथिंग के आइटम, बहुत सारे से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट को आप अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में या व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करने के लिए आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल की जरूरत है। सोशल मीडिया पर जितना भी आपके ग्रुप है उसमें से आप शेयर कर सकते हो, पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग भी यहाँ पर सेंड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है, और चाहे तो आप पूरा जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को पसंद आता है तो आप उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो। मेसो ऐप में यहाँ पर प्राइस दिया गया है, बट उस प्राइस को आपको चेंज करना है, चेंज करके आपको इसी प्राइस के साथ एक मार्जिन को सेट करना है, वही मार्जिन आपका प्रॉफिट होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लाइंट डिटेल्स डालना है और ऑर्डर को प्लेस करना है।
ऑर्डर प्लेस करने से पहले यहाँ पर पेमेंट मेथड को आपको चूज करना है। पेमेंट मेथड यहाँ पर दो तरीके से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सीओडी भी अवेलेबल है। अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ प्रोडक्ट का डैमेज होता है या प्रोडक्ट इशू कुछ रहता है तो आप 7 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हो। हेलो एवरीवन, तो हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं। हालत से आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत ज्यादा टायर्ड लग रही है। खाने के बाद पता नहीं क्यों इतना नींद आ जाता है। ड्रेस चेंज करके इयररिंग्स वगैरह मैंने निकाल लिया है। अभी इनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलो आप लोगों के साथ दो बातें कर लेते हैं। तो फाइनली फैमिली जो है 50K हो चुका है। बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। आज उठ के ही मैं तुरंत ही मोबाइल को चेक की, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कल रात को इनको जब दिखाई तो 5 सब्सक्राइबर मेरे कम थे, 95 थे। तो रात भर में थोड़ा सा हो गया था, अभी कुछ 50 समथिंग है। अब तक तो 100 ही नहीं हुआ है। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो सब्सक्राइबर अब सो रहे हैं, उठने के बाद तो रात में इतना कुछ नहीं पता चलता है, सुबह सुबह उठने के बाद पता चल जाता है कि कितना सब्सक्राइबर गेन किया है। तो इस तरह से ही सपोर्ट कीजिए। और क्या बताऊंगी, 50 हो गया है, फिर टारगेट होगा 100K। 100K जब हो जाएगा ना, और एक बिग डे मेरे लिए होगा। तो इस तरह से ही छोटा सा एक सेलिब्रेशन था हम लोग को। मैंने सोचा कि चलो बाहर चल के खा के आते हैं। अरे हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बाहर से खाना मंगा लेते हैं और घर में खाते हैं, वो इतना ज्यादा मजा नहीं आता है। एक डिनर डेट भी हो गया बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद हम लोग गए। और पहले जो है एंजल बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान करती थी, बट अभी इतना ज्यादा नहीं करती है। एक उसको बैलून मिल गया था, दो बैलून के साथ वो खेल रही थी, कुछ भी नहीं खाई उसको आने के बाद, फिर खिला के अभी वो पानी पी रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं बताइए आप। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, जरूर देखिए। और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। हम आपके रिक्वेस्ट और आपके सजेशंस जरूर हम अपने वीडियो में लेके आएंगे। आगे जाके काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं वीडियो में, यू नो, जो काफी वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनने वाले हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला आगे जाके। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता है, बट अभी और काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ में लेके आने वाला हूँ थोड़े दिनों में, रिव्यूज में। और यू नो जो की जो भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, क्योंकि जब मैं मोबाइल का जो सरप्राइज वाला वीडियो में डाली थी, उस वीडियो में आप अगर कमेंट सेक्शन जाके चेक करेंगे तो बहुत सारा व्यूअर्स ने मुझे ये मीन्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी आप न्यू फोन के बारे में नहीं बताए। तो
आप लोग जानना चाहते हैं न्यू फोन क्या है, मैंने क्या लिया है। उस दिन तो मैंने आपको बताया था कि मैं MI का एक फोन लिया है, बट क्या मॉडल लिया है वो नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं तो इतना मोबाइल के बारे में टेक्निकली नहीं जानती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में बहुत सारे टेक्निकली जो चीजें हैं मैं अभी लेके आई हूँ, तो टेक्निकली जो भी चीजें होगा वो हस्बैंड ही शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा जो हॉनेस्ट रिव्यू है वो नहीं दे सकती, क्योंकि इतना नहीं जानती हूँ तो आपको फेक मीन्स बता के क्या फायदा। तो आगे आपको दिखने को मिलेगा कि मैंने क्या फोन लिया है, बहुत सारे कुछ इस तरह से छोटे छोटे टेक्निकल चीजें मैंने लिया है जो कि हम लोगों को डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं तो नहीं शेयर करूंगी, वो अपना रिव्यू देंगे। और 50K के बाद मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक यूट्यूब जर्नी वाला एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी हम लोग दोनों ही मिलके करेंगे, क्योंकि हम दोनों का वीडियो जो है आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हो, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा अच्छा कमेंट भी आया है कि दी आप जीजू के साथ करो, तो मैं ट्राई करूंगी हस्बैंड के साथ करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट आया था कि हम लोगों का अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, किस तरह से मैरिज हुआ है वो आप लोग जानना चाहते थे, वो मैं ट्राई करूंगी आने वाला है वीकेंड में आप लोगों के साथ आइदर लाइव में बात करूं, नहीं तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये दो मेरा अभी टारगेट है, तो मैं एज सून एज पॉसिबल मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बाकी जो हस्बैंड के मन में जो भी आइडिया है वो भी तो मैं नहीं जानती हूँ ठीक से, अगर जानूंगी तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। और क्या, अभी तक तो इतना ही, जब नेक्स्ट चीजें लेके आएंगे तब आप बताइएगा चीजें कैसे लगी आपको, और हाँ दीजिएगा तो वो सजेशन दीजिए किस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है होता है ना, मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ मैं सिखाती हूँ और खुद भी कुछ सीखती हूँ, तो इस तरह से नहीं कि हर इंसान एक परफेक्ट होता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि चलो कुछ आप लोगों के साथ थोड़ा सा हेल्पफुल बातें करूं या हेल्पफुल कुछ चीजें दिखाऊं जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। मेरे ब्लॉग्स को तो आप एज यूजुअल पसंद करते ही हैं, बट फिर भी मैं ब्लॉग से अलावा कुछ ऐसा चीज आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आपके बच्चे के लिए या हस्बैंड के लिए या फैमिली के लिए या आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल होना चाहिए। इस तरह से मेरा मन में अभी कुछ चल रहा है खिचड़ी, तो जल्दी से आप लोगों के साथ जल्दी लेके आऊंगी। और बस इतना ही था, और यूट्यूब जर्नी में जो भी जो 50,000 सब्सक्राइबर मैंने गेन किया है उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, और बिना सपोर्ट के तो ये कुछ भी नहीं होता है, तो सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देती हूँ, और सेकेंडली हस्बैंड, क्योंकि उनके बिना ना मेरे पास लैपटॉप आता, ना मैं एडिटिंग कर पाती, ना आज 50K सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे होता, तो सारा गोस टू यू, थैंक यू अ लॉट। मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, हम छोटा मोटा काम कर लेते बस, और क्या नहीं इस तरह से नहीं, जो एडिटिंग का काम होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं कभी अगर यूट्यूब जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो बहुत जल्दी शेयर करूंगी, वो एक बहुत ही ज्यादा एक मीन्स डिफरेंट सा स्टोरी है, अगर आपको भी वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी ना आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। तो देखती हूँ कल या परसों मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये था हम दोनों का छोटा मोटा बातें आप लोगों के साथ शेयर करना था, बहुत ज्यादा थक गए हैं तो अभी चलते हैं सोने के लिए, रात का बज रहे हैं 11:30। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नया वीडियो के साथ, हो सके तो कल आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी, नहीं तो डेली जो हेल्दी वाला रेसिपी आप लोगों के साथ आजकल मैं शेयर करती हूँ वो शेयर करूंगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।